दोस्तों बहुत जल्द शिक्षक वर्ग दो की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आप सभी इस अमूल समय को वेस्ट मत जाने दीजिए और शिक्षक वर्ग दो के साथ में MPSI कांस्टेबल और RRB जूनियर इंजीनियर की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके हमारे प्रोमो कोड SAIFGOV50 को यूज करके 40% की छूट का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इंफोटेक्चुअल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जानकारी दिया था कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा और कैसे गलत प्रश्न या फिर आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो उसके बाद आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस या त्रुटिपूर्ण प्रश्नों की शिकायत कैसे और कहां पर आपको करना है, सब कुछ की जानकारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक के रूल बुक में 2.9 वाले ऑप्शन पर आप दे सकते हैं, जहाँ पर लिखा है त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके बदले में आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसमें कहा गया है प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से अगर बाहर का है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके बाद प्रश्न की संरचना गलत है तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इसके बाद उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी विकल्प सही नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ में यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त ना होता हो तो आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अलावा कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो या फिर एक से अधिक विकल्प सही हो तो आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं तो प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में PV अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या फिर नहीं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ऐसे गलत क्वेश्चन या फिर आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है उसकी जानकारी पीवी तक आपको कैसे पहुंचाना है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन। तो यहाँ पर कहा गया है प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों या उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरांत एक सप्ताह के भीतर पीवी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है वो ही सिर्फ इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपने जो एग्जाम दिया है उसका आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी देना होगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपने एग्जाम दिया हुआ है। इसके साथ में आपको संबंधित प्रश्न की जानकारी देना होगा कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो गलत हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस हैं। जब आप पीवी कार्यालय में इसकी जानकारी प्रस्तुत करेंगे तो पीवी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम की, जिसे आंसर की कहते हैं, वो तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखें वर्ग एक के ऐसे कैंडिडेट्स जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो सभी एक हो जाएं और मिलकर पहले ये डिसाइड कर लें कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस हैं। चलिए अब मैं आपको पीवी कार्यालय की जानकारी दे देता हूं कि आपको ये शिकायत कहां करना है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर इंक्वायरी के लिए नंबर भी दिया गया है। इसके साथ में आपको जो शिकायत करना है उसका एड्रेस है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, मुख्य मार्ग क्रमांक 1, चिनार उद्यान, भोपाल 46201। इस एड्रेस में आपको अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी के साथ में ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं या फिर गलत हैं उसकी जानकारी एक सप्ताह के भीतर भेजनी होगी। अब बात सामने ये आती है कि कैसे पता करें कि आउट ऑफ सिलेबस या फिर गलत प्रश्न कौन से आए थे। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से एक कोशिश की जा रही है, आप सभी जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और सभी लोग मिलकर प्रश्न एकत्र कर लें कि कौन से विषय में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो गलत आए थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस आए थे। इसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, जिससे आप सभी वहां पर जुड़ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन गलत थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस थे उसकी जानकारी वहां पर आप दे सकते हैं। अब आप सभी इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।